मनोज इधर आओ। करौली दमा की रहने वाली सरजू देवी पत्नी रघुवर, करीब उम्र इनकी 80 वर्ष थी। इनको पिछले माह सामग्री मिली, सामग्री की जो बची हुई सामग्री है आज भी मौके पर मौजूद है, जिसमें 10 किलो आटा रखा हुआ है, 5 किलो चावल रखा हुआ है, बोतल में तेल रखा हुआ है, मसाले रखे हुए हैं, आलू है, बैगन है, सारी सामग्री मौजूद है। तो सामग्री पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस बार की सामग्री इसलिए नहीं मिल पाई, बताते हैं कि ई पास मशीन में उनके हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं हो पा रहे थे, इसके कारण हो सकता है 2-3 चक्कर लगाने पड़े हों। और वर्तमान में जो सामग्री मिली हुई, बता रहे हैं 28 तारीख को इनको सामग्री प्राप्त हुई है। सामग्री एज इट इज बधी हुई रखी हुई है कमरे में। माताजी अकेले कमरे में रहती थीं, बहुएं इनके आसपास जो कमरे हैं उनमें रहती थीं। कमरा इनका पक्का है, आपने देख लिया, हैंडपम्प लगा हुआ है, चूल्हा वहाँ मौके मौजूद है। खाना पीना अकेले बनाती थीं। जब कभी कोई समस्या होती थी तो इनके आसपास जो बहुएं रहती हैं वो पूछ करके इनको खाने पीना देती रहती थी, जिससे स्पष्ट है कि खाने पीने के अभाव में इनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है, घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि हार्ट अटैक हुआ और उसमें इनकी मृत्यु हुई। सर, परिवार को कोई मुआवजा या कुछ? परिवार की तरफ से अभी जो घटनाक्रम हुआ है इसमें अभी तो कोई ऐसी स्थिति नहीं बन रही मुआवजे की। यदि और कोई जांच होगी उसमें पाया जाता है कि हाँ कुछ ऐसा कुछ है तो उसको जो भी संभव होगा उसको दिया जाएगा मुआवजा। कोटेदार पर कोई जांच की जा रही? कोटेदार की जांच देखा जाएगा। जो समस्या आ रही थी ई पास मशीन पर हस्ताक्षर नहीं ले रही थी मशीन, ये जो शिकायत है उसको दिखवा लिया जाएगा आज ही। क्या नाम है आपका? रामरति। कैसे हुई घटना, क्या मामला था? 5 तारीख से बढ़ रही साहब रास्ता, हमारी बुढ़िया जो ना दिन भरे में 4-5 दई दौड़ दौड़ जाती, अभी अभी न मिले, कल मिली। आधार कार्ड आपका लोकल है, कह रहे कि कार्ड भी लोकल है, जात जात जाके फिर परसों हुआ कि पर इनके द्वारे बेहोश होकर पेशाब सब छूट कर राशन नहीं दी। कल जब वो खत्म हो चुकी तो राशन मिली साहब।